खुशबू एक तरफ और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अयो, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी, देखना। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। खुशबू मेरे हाथ में, अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भी और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था? और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाएं तरफ घूमो। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। बस बस बस,
ये लो। रुको, महाराज का दिया हुआ जेवर तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो चोरी? अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं है। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। बिछाना है, हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहां से मिला जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अय्या ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ले लो। ये लो, ये दे दो दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। अय्या इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है। स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। तुम्हें तो बस यही सब याद रहता है, ये याद नहीं कि मुझे क्लास में सजा मिली और मैं बेचारा धूप में खड़ा था। उस्ताद तो अंडे की तरह पक गए थे। बेचारे उस्ताद, क्लास में आवाज करोगे तो सजा मिलेगी ना। वैसे आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर